देवी मैया की। आज ग्राम भोजपुर में ये देवी माँ का जागरण, जिसमें हमारे कलाकार साथी, गांव की सभी पंच पटेल भाइयों और बहनों, आज बहुत सौभाग्य की बात है। जिस बस्ती पर देवी माँ की असीम कृपा होती है, वहीं भगवान का नाम जागरण के रूप में लिया जाता है। ये बहुत कठिन बात होती है। जिस बस्ती में भगवान का नाम लिया जाए, माँ का नाम लिया जाए जागरण के द्वारा, ये मान के चलिए इस प्रगति, इस बस्ती की प्रगति होना और बाकी है। क्योंकि भगवान का नाम वहीं लिया जाता है जहां बस्ती के शुभ दिन हो, बस्ती के लोगों की धर्म के प्रति आस्था हो। अब मैं दो तीन चीजों पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बात कहूंगा कि धन की तीन गतियां होती हैं। जीवन जो है वो तीन अध्यायों का होता है, और आखिर समय क्या है, इन तीन चीजों पर चर्चा करूंगा। धन की तीन गति ऐसे होती है, पहली गति खाया पिया अंग लगेगा, दूसरी गति दान दिया संग चलेगा, और तीसरी गति बचा हुआ सब जंग लगेगा। ये तीन गति पुराणों में धन की बताई है। खाने पीने का अर्थ यह है जो पहली गति बताई है मैंने अभी आपको, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा शिक्षा दे करके, अच्छा मकान लेकर के, अच्छा कपड़ा पहनाकर, अच्छा कार बनाकर, और बड़े से बड़ा, अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उसे बड़ा अधिकारी बना करके इस कलियुग के जमाने में आप स्थापित कर देंगे, इसे कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा। दूसरी गति दान दिया संग चलेगा। आज ये भगवान का जागरण हो रहा है, माँ का जागरण हो रहा है, कभी भंडारा लगता है तो कभी प्याऊ लगती है, कभी गरीब को कंबल बांटते हैं तो कभी गरीब को रोटी खिलाने का काम करते हैं। ये पुण्य आपको इस जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में भी मिलेगा, इसे कहते हैं दान दिया संग चलेगा। तीसरी गति मैंने आपको बताई अभी कि बचा हुआ सब जंग लगेगा। इस पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में आज तक कोई भी बेटा ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अपने पिता की कमाई को पूरी तरह 100% उसका सदुपयोग कर सके। पिता की कमाई का कहीं ना कहीं कोई 2% करता है तो कोई 1% करता है तो कोई 3% दुरुपयोग जरूर करता है। इसलिए ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। जब माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है, मुट्ठी बंद होती है, बच्चा रोता हुआ आता है और हमारा परिवार हंसता है, और जब अच्छे कर्म करके व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब वो स्वर्गलोक को जाने की तैयारी होती है, जब अर्थी को लेकर मरघटों की तरफ जाते हैं, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि इसको यहां भी जगह थी और वहां भी जगह है। जो लोग काम अच्छा नहीं करते उनके लिए धीरे से ये कहते हैं कि सटक गया तो बहुत बढ़िया है। मैं आपको बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूं। इसलिए धन का उपयोग बहुत आवश्यक है और सदुपयोग बहुत जरूरी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये धन की तीन गति बताई है। ऐसे ही एक जीवन नाम का ग्रंथ है जिसके तीन अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है जन्म और आखिरी अध्याय का नाम है मृत्यु। किस माँ की कोख से, किस बाप के अंश से तेरा जन्म होगा, सड़क पे होगा, एम्बुलेंस में होगा, अस्पताल में होगा, खाट पे होगा, खेत में होगा, खलियान में होगा। आपने देखा होगा माता और बहनों में, खलियान में हमारी माँ काम कर रही है वहीं बच्चे पैदा हो जाता है। इसलिए ये जन्म का जो अध्याय है उस पर पूरा का पूरा अधिकार प्रभु ने रखा है, किन क्षणों में किस जगह जन्म होगा। ठीक उसी तरह से मृत्यु कब होगी, खांसी से होगी, बुखार से होगी, मलेरिया से होगी, बिजली से करंट लगने से होगी, एक्सीडेंट से होगी, या कैसे होगी, ये भी वो प्रभु लिख करके भेजता है। यानी तीन अध्याय जो हैं जीवन के, उनमें दो अध्याय तो स्वयं प्रभु ने माने अपने पास रखे हैं, वो तय करती है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बीच के अध्याय का नाम है कर्म के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करना।
आखिर कर्म को प्रधान मानते हुए जो बच्चे अभी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि 6 साल तक बच्चे को पालन पोषण करें, 6 के बाद स्कूल में भेज दें, और स्कूल में 6 से लेकर 25 से 30 साल तक बच्चा बहुत ईमानदारी से समय का प्रबंधन रखते हुए मित्रों अपने कर्म को सुनहरी कलम जो देकर के प्रभु भेजता है हमें इस सांसारिक जीवन में, जो बच्चे समय को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जो काम करते हैं, मैं बहुत ईमानदारी से इस माता के सामने कहना चाहता हूं, भगवान भी उसको असफल नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब इसमें आता है कि समय का प्रबंधन, आखिर समय है क्या। जब समय की परिभाषा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, ये तीनों की तीनों चीजें अध्यात्म से जुड़ी हुई है। आखिर समय है क्या, कई लोग क्या करते हैं, सामने लक्ष्य दिखता है घबरा जाते हैं, मेरा समय खराब है, मेरा समय कड़वा है, मेरे दिन मीठे आ गए। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं, ना कभी किसी का समय कड़वा होता है ना मीठा होता है। समय तो अपने आप स्वयं मनुष्य तय करता है कि समय उसका कैसा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, समय को पकड़ना हमें पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, समय को रोकना पड़ेगा, समय को पाबंद करना पड़ेगा। अब हमें समय को कैसे पाबंद करें, समय की जब परिभाषा जानने की कोशिश करते थे, एक गांव में रात को एक व्यक्ति अपने शरीर पर लंगोटा पहनकर शरीर में खोपड़ी में से बाल कटा लेता है और सरसों का तेल लगा लेता है और चोरी करने के हिसाब से वो आ जाता है और चोरी करके भागता है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर हम पीछे से पकड़ेंगे उसकी खोपड़ी को तो पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि समय की तरह भाग रहा है वो भी। समय हमारे साथ उस चोर की तरह आंख मिचोली खेलता है, समय आकाश में भी चल रहा है, समय ट्रेन की पटरी पे भी चल रहा है, समय बस में भी चल रहा है, समय पानी में भी चल रहा है। ये चंचल है समय, कभी किसी से रुकता नहीं। लेकिन भाई और बहनों में निवेदन करना चाहता हूं, जब रात को वो व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर भागता है, पीछे से हम पकड़ते हैं खोपड़ी को, तो उसके फिसल जाती है, खोपड़ी में बाल नहीं है क्योंकि वो तेल लगा हुआ है, और हमारे घुटने के बल गिरते हैं, हमारे दांत टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि समय को पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। अगर समय को पकड़ना है तो मैं आग्रह करना चाहता हूं, यह घूसा तैयार करना पड़ेगा। और जो वो मानव रूपी समय चोरी करके भाग रहा है, समय उसकी खोपड़ी में ललाट में घूसा मारना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, समय तो रुक, मैं मजबूर करूंगा तेरे साथ मुझे चलने के लिए। और जिस दिन चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, जिसने समय को अपने आप के साथ रोक चलने के लिए मजबूर कर दिया, अब वो दिन दूर नहीं रहेगा जब दौसा जिले के कलेक्टर की कुर्सी पर भोजपुर की बेटी भी नहीं बैठेगी। मित्रों, भोजपुर की बेटी नहीं बैठेगी। लेकिन समय को प्रबंध करना बहुत आवश्यकता है। ये आज आप लोगों ने यहाँ बुलाया, आदर सत्कार किया, चुनाव में बहुत जोरदार तरीके से साथ दिया, आपकी जो जो समस्याएं उनका समाधान करेंगे। और ये विश्राम जी तो हलवाई है, क्यों चिंता करते हैं। अभी 10 मार्च को एक बड़ा भंडारा कर रहे हैं, उस भंडारा में भी पूरे तहसील स्तर के 1,00,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था होगी, 1 रुपए में बेटी की शादी होगी, वहीं जूते और चप्पल ग्रहण करेंगे, इसके बाद आपका आशीर्वाद वहां लेंगे। मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करता हूँ, 10 मार्च को 1 रुपए में बेटी की शादी का कन्यादान करने के लिए आप जरूर पहुंचे। और अब मैं बस्ती का जयकारा लगाऊंगा, माता रानी का जयकारा लगाऊंगा, जोरदार जयकारा बोलेंगे, बोलो माता रानी की, बोलो बस्ती माता की।